नमस्कार, मेरा नाम है सचिन कुमार राय और वासुराय के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात के बारे में, मिथ का मतलब ये हो जाता है कि जो गलतफहमी है लोगों को पामिस्ट्री से रिलेटेड, उसके बारे में। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाथ में, यानी कि अगर आप ऐसा हाथ देखेंगे तो बिल्कुल ये जो आपको ये दिख रहा है, ये जो हमारी हार्ट लाइन है, जो ऊपर वाली लाइन है, ये अगर ये और ये दूसरे हाथ की ये भी हार्ट लाइन है, ये भी अगर आपकी अगर मिल जाती है, दोनों ऐसे चंद्रमा बन जाते हैं। ये देखो चंद्रमा बन गए, पूरी चंद्रमा बन गए, फोटो में आपको ऐसे दिखा दूंगा। तो चंद्रमा बन जाता है तो आपकी लव मैरिज होती है। तो ये सब फालतू बातें, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कॉलेज में, स्कूल में ऐसा करके बड़ा अच्छा लगता है कि भाई मेरी लव मैरिज होगी, पर ऐसा कुछ लव मैरिज नहीं होती है। मेरा बहुत अच्छा पूरा की पूरा आधा चांद पूरा बनता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और जितने भी मेरे दोस्त हैं जिनके हाथ में बनता है, तो किसी की लव मैरिज नहीं हुई, सबकी अरेंज मैरिज हुई है। ऐसा कि हाफ चांद बनता है तो लव मैरिज होती है, ये मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा मिथ ये भी हो जाता है, गलतफहमी ये भी हो जाती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया ज़्यादा अगर अपन अपना हाथ दिखाएंगे आपकी उम्र कम होती है, या हाथ की अगर फोटो हम निकालेंगे तो उसकी उम्र कम होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाथ आप किसी को भी दिखाते हो, ये आपका एक शरीर का हिस्सा है। अगर आप किसी को, जैसा चेहरा है, चेहरा 10 लोगों को दिखाने से हमारा वो होता है, फेस रीडिंग भी तो होती है, जैसे कि हाथ हम पाम रीडिंग होती है, वैसे लोग फेस रीडिंग भी करते हैं जिनको इसका नॉलेज होता है। तो क्या हमारी उम्र घट जाती है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मिथ है। तो आप किसी को भी अपना हाथ 50 बार दिखाओ, 100 बार दिखाओ, 1000 बार दिखाओ, या उसकी फोटो निकालो, 10 लोगों, हज़ारों को बांट दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी उम्र कम नहीं होती। तीसरा मिथ ये हो जाता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया ये हाथों की रेखा क्या देखते हो, नसीब तो उसका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते हैं ना। ये बहुत डायलॉग है, बहुत चिपकाते हैं मुझे डायलॉग जब पामिस्ट्री के बारे में बताते हैं, तो मैं बोलता हूँ अरे बेवकूफ़ो, ऐसा नहीं होता है। किसी का हाथ नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाथों की रेखाएं जो है वो हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में हमें कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन देती है। किसी के हाथ नहीं रहेगा तो उसका फ्यूचर तो रहेगा ही ना। ये हाथ की रेखा है, नसीब नहीं है। हाथ की रेखाओं से हम कहीं ना कहीं फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो किसी का अगर हाथ नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, उसका फिर भी नसीब तो रहेगा ही ना, उसकी कुंडली निकाल लेंगे, है ना। तो हाथों की पामिस्ट्री में ये हो जाता है कि भैया आपको हाथों की रेखा से हम कम से कम आपका प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में अच्छा बता सकते हैं। हाथ नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कुंडली बताएंगे, उसमें हाथों की रेखा की तो जरूरत नहीं पड़ती। पामिस्ट्री उनके लिए बेनिफिशियल भी ज़्यादा कर होती है कि भैया किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है, जब डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है तो करेक्टली उनकी कुंडली नहीं निकाल सकती है। तो पामिस्ट्री के माध्यम से कहीं ना कहीं हम उनको उनके फ्यूचर के बारे में गाइड कर लेते हैं। पता में ये हो जाता है कि भाई जिनको एस्ट्रोलॉजी आती है उन्हीं को पामिस्ट्री आ सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, पर मुझे पामिस्ट्री बहुत अच्छी तरीके से आती है। इसकी वजह ये नहीं है कि मतलब अगर आपको एस्ट्रोलॉजी आती है तो एक एडिशनल एडवांटेज हो जाता है आपको, प्लैनेट्स के बारे में, ग्रह के बारे में और अच्छी तरीके से जानकारी हो जाती है, ठीक है। पर अगर नहीं आती तो इट डजंट मैटर, है ना। अगर आप एस्ट्रोलॉजर नहीं हो, आप वास्तु कंसल्टेंट हो, टैरो कार्ड डीलर हो, न्यूमरोलॉजिस्ट हो, या और कोई फील्ड में हो, रीकी हीलर हो, अगर आप फिर भी सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं। उसके लिए एस्ट्रोलॉजी आने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं आती, फिर भी मैं बहुत अच्छी तरीके से पामिस्ट्री जो है सिखा सकता हूँ, कंसल्ट कर सकता हूँ। तो ये चार मिथ यानी गलत फहमी है लोगों को पामिस्ट्री यानी कि हस्तरेखा से रिलेटेड। अगर आप पामिस्ट्री का कोर्स करना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर है 8108562646। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।